नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 में हमारा 15वां चैप्टर राज्य, उसका हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। उसका जो पहला भाग है उस भाग में हमने देखा है कि किस प्रकार मदन और जगदीश बाबू में उसकी मुलाकात होती है, कि वह दोनों में वह किस प्रकार मिलते हैं, उसका हमने उसका जो कवरेज भाग है उसमें हमने देखा था कि मदन एक होटल का वेटर है और जगदीश बाबू शहर में नहीं आए रहते, तो इन दोनों की मुलाकात होटल में होती है। और जगदीश बाबू में मदन है वह अपने बड़े भाई की छवि देखता है, तो उसे दाजू कहकर बुलाता है। जब भी जगदीश बाबू होटल में जाते हैं तो वह मदन को बुलाते हैं, तो उसे दाजू कहकर वह संबोधन करता है। जब भी बुलाते तो वह बड़ी आतुरता से उनके पास जाता है, खाने के बाबत में पूछता है, तो उसके बारे में वह कहता है कि आपने तो बहुत कम खाया। ऐसी छोटी छोटी बातों का भी वह ध्यान रखता है, तो इस प्रकार उसका उसके जो बड़े भाई है जिस प्रकार होते उसी तरह उसके साथ वह व्यवहार करता है। अब जो उसके आगे का भाग है वह आगे की जो कहानी है वह हम देखते हैं। लाला लाजपत शब्द के जगदीश बाबू है वह पानी मदन को लाने के लिए करते हैं, तभी वह मदन ने वह कहता है कि लाया लाजू शब्द को उतनी आतुरता और लगन से दोहराता है जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चुनती है। कि जब भी वह पानी लाने को कहते तब मदन ने वह लाया लाजू कहकर इतनी आतुरता से उसे दोहराता कहता है कि जिस प्रकार कोई माँ और बेटे का संबंध हो, जिस प्रकार कोई माँ अपने बेटे को चुनती हो, उसी प्रकार वह उसे उसके पास दौड़ा चला जाता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाधिपन दूर हो गए, उन्हें अब जो पेठे तीन सारा शहर अपने मन के रंग में रंगा वह सा करने लगे, परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से दाजू कि कुछ दिनों के बाद जो जगदीश बाबू है उस जगदीश बाबू को यह जो कैफे था उसका जो तो था पूरा शहर अब उसे परिचित होने लगते हैं, कि उसमें वह अपने पर दिखाई अपने पर में रंगा हुआ सा लगता है। तब कि वह मदन को जो बार बार राजू कहता है वह उसे अच्छा नहीं लगता, कि मदन है वह कभी कभी दूसरे टेबल पर जाकर भी लाया राजू कहकर ऐसा कहता है, मदन इधर आओ। तभी जगदीश बाबू ने वह मदन को बुला रहे हैं, आया दाजू, मदन कहता है तुम्हें अभी आया। दाजू शब्दों की आवृत्ति को जगदीश बाबू के मध्यम वर्ग वर्गीय संस्था झाड़ू अपना तो की पटरी डोरी अहम की तेज धार को आगे न ढक सके, कि दाजू शब्द की जो आवृत्ति है तो वह आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय जो संस्कार है वह झाड़ू, मतलब कि उसे यह अच्छा नहीं लगा कि बहुत बार बार राजू कहता है वह, क्योंकि उसके कारण वह अपनत्व की पत्नी डोली मतलब कि वह उस दोनों में जो जगदीश बाबू थे वह एक मध्यम वर्गीय है और जो मदर था एक होटल का वेटर था, तो उसके कारण इन दोनों का जो अंतर था उसी के कारण उसके मध्यम वर्गीय संस्कार के वह झाड़ थे जगदीश बाबू थे। इसीलिए कि अपनत्व की पत्नी डोरी अहम की तेज धार को धार के आगे न मिल सके, मतलब कि इन दोनों में जो अपनत्व था वह अहंकार के कारण जो अहम था उसके कारण वह डोरी में वह टूट जाती है। दाजी चाय लाओ, मदन कहता है कि मैं आपके लिए चाय लाऊं, चाय नहीं लेकिन यह दाजी दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें, चाय नहीं। जगदीश बाबू कहते हैं कि चाय नहीं और तुम यह जो दाजू दाजू कहकर बार बार क्यों चिल्लाते रहते हो, तुम्हें किसी की प्रेस्टीज प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा इज्जत ये तुम्हें किसी की यह जो प्रतिष्ठा और इज्जत मतलब कि इज्जत का तुम्हें ख्याल है कि नहीं, ऐसा कहकर वह उस पर गुस्सा हो गए। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। ये जगदीश बाबू का जो मुंह है वह क्रोध के कारण तमतमा गया।
इसका अर्थ होता है कि जगदीश बाबू है वह उसके जो मुंह है वह क्रोध के कारण उसका चेहरा है वह लाल हो जाता है, मतलब कि वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं कि जिसके कारण उसका शब्दों पर अधिकार नहीं है, मतलब कि वह जो जो पर भी बोलता है, मतलब कि वह जो भी कहते हैं उस पर उसका अधिकार नहीं रहता, वह जैसा का तैसा है वह मुंह को सुना देते हैं। मगर इसका अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी मुझे ध्यान नहीं है, पर मदन बिना समझाए सब कुछ समझ गया कि उसे यह भी नहीं पता था कि मदन है वह पेस्टिस को समझ सकेगा या नहीं, कि पेस्टिस समझ को वह जो शब्दार्थ था वह उसे समझेगा या नहीं, कि यह भी उसे क्रोध के कारण वह भी उसे ख्याल नहीं है, पर मदन यह शब्द का अर्थ न समझते हुए भी समझ ले रहा मदर को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैंने जल से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में शीर्षक या बलबर होता रहा। मदर को जगदीश बाबू का व्यवहार से बहुत दुख हुआ, गहरी चोट लगी, मदर को से बहुत दुख हुआ और उन्होंने मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर घुटनों में सर रखते हुए के सिसकिया भर भर कर वह रोता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक है कि वह घर और गांव से दूर था, इसीलिए कि उसका जो इस प्रकार का जगदीश बाबू के प्रति जो आत्मीय प्रदर्शन था वह स्वाभाविक था कि वह जगदीश बाबू में अपना अपने जो परिवार है इस परिवार के सभ्य ढूंढ रहा देख रहा है, क्योंकि उसका आत्मीय प्रदर्शन उसके प्रति बहुत स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे भिजा की गोदी से बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बल और खींच ली के इसी के कारण कि जिस तरह जगदीश बाबू ने मदन को सुना दिया तो के उसके कारण जैसे कि उसे मदन को लगा कि उसे जीजा की गोदी से, मतलब जीजा यानी उसकी अम्मा उसकी माँ कि उसकी माँ की गोदी से बाबा की बाहों से, मतलब कि उसके पिता से कि उनकी बाहों से और उनके आंचल दीदी की आंचल से, मतलब कि दीदी उसकी दीदी थी उसके आंचल से जैसे किसी ने छीन लिया हो ऐसा लग रहा है। रो लेने पर अंतर की उमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भाव क्षणों की अपेक्षा अधिक व्यय गुना होता है कि रो लेने के कारण अंतर में जो उमड़ती वेदना है, मतलब कि जो दुख है जो पीड़ा है वह पीड़ा आंखों में आंसू के रास्ते से आंखों के द्वारा, मतलब कि आंखों के राह मतलब कि आंसू के द्वारा वह बाहर निकल जाती है कि इसके कारण मनुष्य है जो भी निश्चय करता है वह निश्चय मतलब कि निर्णय करता है वह भाव क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है, मतलब कि जिस प्रकार वह भावना से होकर जिस प्रकार वह निर्णय करता है उससे ज्यादा, मतलब कि उनसे अगर इसके अलावा अगर वह रोने के कारण वह उन क्षणों में विवेकशील निर्णय वह देता है। मदन पर्वत का मदर पूर्वज काम करने लगा कि मदर ने वह फिर से उसी तरह में वह काम करने लगता है। दूसरे दिन कहने जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की बहन बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गए कि दूसरे दिन जब कहने जाते हैं तब उसकी जगदीश बाबू के बहन है उसके बचपन के साथ हेमंत से उसकी मुलाकात हो जाती है। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा कि कैफे में जब पहुंचते हैं तब जगदीश बाबू ने और इशारे से मदन को बुलाते पर मदन ने तो उसे दूर दूर रहने का प्रयत्न करता है। दूसरी बार बुलाने पर भी मदन आए, आज उसके मुंह पर वह मुस्कान थी और ना ही उसने क्या बुलाया क्या लालबाजी का कि जब जगदीश बाबू से दूसरी बार बुलाते हैं तब भी वह आता है, पर आज उसके मुंह पर ना पहले वाली मुस्कान थी और ना ही वह शब्द कि क्या लाओ बाजू इसे शब्द है। स्वयं जगदीश बाबू को भी कहना पड़ा दो चाय दो आमलेट, परंतु तब भी लाया दाजी कहने की अपेक्षा लाया
26 बाबू है वह स्वयं कहते हैं, वह सामने से ही मरण को कहते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि रोज जाए वो दुआ में, ऐसा ऑर्डर देते हैं। परंतु तब भी कि मदर के वह लाया राजू कहने के बदल बचाए वह क्या कहता है कि लाया था ऐसा कहकर चला जाता है। मानो दोनों अपरिचित हो कि मानो यह जो दोनों है वह अपरिचित हो, शायद पहाड़िया है अपने अनुमान लगा कर पूछा कि तभी हेमंत कहता है कि शायद वह कोई पहाड़ी लड़का है। मदर हाँ उठा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू और वार्तालाप का विषय भी बदल दिया कि तभी जगदीश बाबू ने वह उठा सा उत्तर दे देते और उसके वार्तालाप का विषय वह बदल जाता है। मदर चाय ले आया तो मदर ने वह चाय ले आया क्या नाम है तुम्हारा लड़के हेमंत है अवसर चलाने की गरज से कि हेमंत है वह जैसे उस पर एहसान कर रहे हो इस प्रकार कि वह कहते तुम्हारा नाम क्या है इस प्रकार उस पर एहसान करने की जो गरज हो इससे वह पूछते हैं। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याले पर ही झुकी रह गई। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया कुछ क्षणों के लिए उस टेबल पर मौन छा जाता है। जगदीश बाबू ने उसकी आंखें चाय की प्याले पर ही झुकी रह गई कि वह उसकी आंखें और चाय की प्याले पर भी झुकी रह गई। मदर की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगे। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम चला कि राजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी के प्रश्न का ख्याल नहीं रहता कि मदर के आंखों के सामने इस प्रकार की जो भी उसके सामने जो भी घटना घटी थी हुई थी मतलब कि जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे इस प्रकार के सवाल पूछना फिर जगदीश बाबू से कहना राजू कर तो उसे संबोधना यह सब और फिर जगदीश बाबू का तिरस्कार पुनर्व्यवहार कि जिस प्रकार उन्होंने कहा था कि पेस्टिस का ख्याल नहीं रहता था उसी प्रकार का वह यह सब उसकी विगत स्मृतियां वह घूमने लगती। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदर की ओर देखा उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वाला हमेशा उठ पड़ेगा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदर की ओर देखा उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वाला हमेशा उठे पड़ेगा मतलब कि अत्यंत क्रोध हो क्रोधित हो जाए कि जगदीश बाबू ने वह देखते मदर की ओर देखते हेमंत का आग्रह के स्वर में दोहराया क्या नाम है तुम्हारा हेमंत है वह फिर से उस मदर को पहाड़ी लड़के से पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा फिर से वह पूछते हैं वो ही कहते हैं सामने संक्षिप्त सा उत्तर लेकर वह मुड़ गया आवेश से उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया कि वो ही कहते हैं मदर कहता है कि साहब मुझे वो ही कहते हैं ऐसा वह संक्षिप्त मतलब कि छोटा सा उत्तर देकर वह मुड़ जाता है और जब मुड़ जाता है तब उसके चेहरे लाल हो जाते हैं मतलब कि वह अधिक क्रोध में आ जाता है क्योंकि जो हेमंत उसके साथ जो घटना हुई थी वह पहले भी जगदीश बाबू के साथ उसकी घटनाएं वह हुई थी तो इसके कारण उसका चेहरा है वह और लाल हो जाता है मतलब कि और क्रोधित हो जाता है और वह अपना चेहरा है वह मुड़ देता है और क्रोधित चेहरा और भी सुंदर हो जाता है। यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से वह लेखक के भाव में समझाना चाहते हैं कि कभी कभी जो अपने पर के दोष शब्द है वह पराये को भी अपना बना लेते हैं और जो तिरस्कार वाले शब्द है वह जो अपने है उसे भी पराया बना लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति है वह जिसे अपना मान लेते हैं वही कभी उसकी जो वाणी है इसके कारण वही उसे चोट कर देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमारा जो पाठ है वह पूरा होता है और इसमें जो स्वाध्याय के प्रश्न है वही आपको अपने नोट पोथी में लिखने हैं। मुहावरे शब्दार्थ है वही शब्दार्थ मुहावरे सब आपको अपनी नोट पोथी उसमें लिखने हैं। थैंक यू।